बिस्मिल्लाह। उसने जलाल ने ऐसी औरत के बाल पकड़े आ गए, इनका इसको सरेआम सर कलम कर उसको। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जा रहे हैं गारे हिरा के सफ़र पर। 25 रियाल में हमने अपने होटल के करीब से टैक्सी करवाई और हम जब जा रहे थे तो रास्ते के अंदर ये मीना आता है। इस भाई ने बताया कि ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर सुन्नत इब्राहिमी की गई, यानी कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी के लिए जो आजमाइश थी उनकी, जो यहाँ पर थी। हालांकि ये मीना की हदूद का बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ से ये जो पॉइंट हैं पहले ये बनाए गए थे कि यहाँ से मीना स्टार्ट होता है, क्योंकि हज के लिए हदूद का बहुत ज़्यादा अहम किरदार होता है। हमने बड़ी कोशिश की कि हमें इन खेमों के अंदर अपने खाने मिल जाएं, लेकिन हमें कुछ मालूम नहीं था कि हमारे खेमे कहाँ पर हैं। यहीं से जमरात नज़र आए, जमरात के पास से हम गुज़रे, तो क्योंकि हमने कंकरियां मारने के लिए जमरात पर आना था तो थोड़ा सा हमें आइडिया हो गया कि कैसा है जमरात वगैरह, क्या चीज़ है। फिर आगे टनल आया, टनल को क्रॉस किया तो सामने जो रहायशें हैं ये इंडोनेशियन की आ गई, क्योंकि यहाँ पर इंडोनेशियन और मलेशियन को बहुत करीब होटल मिलते हैं। इधर से तकरीबन खाना काबा का फासला 3 से 4 किलोमीटर है। आगे हमारे साथ एक बहुत बड़ा हादसा होने लगा था, अल्लाह ताला ने हमें बड़ा बचाया, ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें बचाया कि क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक बड़ी तेज़ है और यहाँ पर बचना नहीं बल्कि अपने आप को खुद को बचाना पड़ता है। इस भाई ने बताया कि यहाँ पर जो है ना रोज़ाना तकरीबन या हर जुमे को गर्दनें पहले कटती थी, अभी भी कटती हैं। पिछले दिनों कह रहा था कि एक औरत ने अपनी बेटी को कत्ल कर दिया था, सौतेली बेटी को, तो उसने जज ने काजी साहब ने उसे कहा इसे सरेआम गोली मारी। इतने में हमें जबल नूर यानी कि गारे हिरा जहाँ पर है वो नज़र आया, तो हमें थोड़ा सा सुकून हुआ। जबल नूर जो है ये सतह समंदर से 634 मीटर के हाइट पर है और यहाँ पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर कुछ दिनों के लिए आ जाते थे। इसकी जो शक्ल है आप देखें कि ऊँट की कोहान के जैसी है, जैसे ऊँट की कोहान होती है। बहुत ज़्यादा हुज्जाज कराम जो हैं ज़्यारत के लिए आ रहे थे। ये टैक्सियों वाले वैसे तो पीछे उतार देते हैं, हमने इस भाई को पहले तय किया था कि हमें जो है ना बिल्कुल एंड पॉइंट तक उतारना है, लेकिन फिर भी ये डंडी मारने से नहीं रहते, इसने हमें पीछे ही एक गली के अंदर उतार दिया और इसने कहा कि ये सामने। जैसे ही हम उतर कर यहाँ पहुँचे तो काफ़ी फासला, वो नीचे से हम आए तो इधर से स्टार्ट होता है हमारा सफ़र। जो पहली चीज़ देखने को मिली कि ये मांगने वाले जो है ना बहुत ज़्यादा यहाँ पर थे और गंदगी के ढेर थे। जो लोग चीज़ें लेकर जा रहे थे वो वही चीज़ें पानी की बोतलें यहीं पर फेंक रहे थे, और बड़ी मेरे लिए शर्मिंदगी की बात थी कि ये ज़्यादातर मांगने वाले जो है ना ये पाकिस्तानी औरतें हैं। कुछ लोगों को मैंने देखा कि मुख्तलिफ तरीक़ों से मांग रहे हैं। एक को तो भाई को देखा, वो उसने एक पत्थर लगाया और रेत थोड़ी सी लगा के वो बैठा हुआ था कि मैं इसको ना रिपेयर कर रहा हूँ, और उसने उस वक्त तक काफ़ी पैसे छाप लिए थे और जब हम वापस आए तो वो बंदा यहाँ से गायब था। यानी कि मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं मांगने के। मैं जल्दी जल्दी में ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था और जो मेरे लिए ना फिर बाद में बड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि मेरे साथ फिर एक प्रॉब्लम आ गई कि मैं वैसे तो जोश जोश में ऊपर चढ़ रहा था और मुझे लग रहा था कि बिल्कुल मैं ना बस पहुंचा के पहुंचा, मैं तो मिनटों में पहुंच जाऊंगा। ऐसे ही जो वीडियो दिखा रहे होते हैं ना, ये तो मुश्किल है ही नहीं। इधर ही आके मेरे ना मुझे चक्कर आए और मैं एकदम से बेहोश होते होते बचा, गिरते गिरते बचा। तो आतिफ भाई ने मुझे खजूर वगैरह दी, पानी पिलाया, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब बंदा पहाड़ी पर चढ़ता है तो उसका जो है ना शुगर लेवल डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से आपको चक्कर आए। मुझे 15 से 20 मिनट इधर बैठकर थोड़ा सा आराम करना पड़ा, फिर
जैसे ही ऊपर चढ़ने लगा तो ये भाई साहब नजर आए कि ये पहाड़ के ऊपर अपना नाम वगैरह पता लिख रहे थे। आप गौर से कर देखें तो पत्थरों के ऊपर ज़्यादातर पाकिस्तानी उल्टी हरकतें करते। मुझे समझ नहीं आती इन लोगों का क्या अकीदा है, ये पत्थर इनको क्या फ़ायदा दे सकते हैं, ये क्यों इस तरह की हरकतें करते हैं। पूरी दुनिया के अंदर हमारी बदनामी होती है कि पाकिस्तानी सारी उल्टी हरकतें करते हैं। तो हम फिर ऊपर चढ़ते गए यहाँ पर आकर फिर हमने जो मैं जल्दी जल्दी में जाने की कोशिश कर रहा था तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाने लगा। ये साइड के ऊपर एक नया रास्ता बना रहे हैं जिसकी मशीनों की आवाज़ें आपको आ रही होंगी। आतिब भाई सामने खड़े मेरा इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की। मैं ये ना होते तो मैं हो सकता है वापस ही चला जाता क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या हुआ मेरे साथ। आप भी कोशिश करें जब भी ऊपर चढ़ने की लिए आएँ तो आहिस्ता आहिस्ता से जाएं। तो हमने समझा कि बस आ गया कि आ गया। तो जैसे ही हम यहाँ पर पहुँचे तो हमें पता चला कि जनाबे वाला कुछ और अभी हिम्मत करनी पड़ेगी क्योंकि जितना हम फासला तय करके आए थे इतना ही और हमें ऊपर जाना था। ये सामने इधर आके पता चला कि इतना ही आपको और ऊपर चढ़ना है जितना आप चढ़ कर आए हैं। तो यहीं पर हमने जो है ना लीमू पानी वगैरह पिया। ये हमारे साथ उज़्बेक लोग भी बैठे हुए थे यहाँ पे मुख्तलिफ 50 रियाल के अंदर शायद दो नहीं 10 रियाल के अंदर दो गिलास दिए या 3 गिलास इस तरह से उन्होंने दिए। बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता हम चढ़ते गए ये एंड पॉइंट पर हम पहुँच गए। यहाँ से आपको बिल्कुल आप यहाँ से आपको हरम नज़र आता है, मक्का टावर नज़र आता है। हरम तो नहीं अभी नज़र आता क्योंकि ऊंची बिल्डिंग बन गई है लेकिन जो है ना मक्का टावर नज़र आता है। इससे मक्का टावर से ये पता चल जाता है कि खाना काबा यहाँ पर है। यही वजह थी कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी जगह चूज़ की जहाँ पर से आपको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना काबा भी नज़र आता था और यहाँ पर शोर शराबा भी नहीं था। ये मक्का से थोड़ा सा हट कर ये जगह थी इसलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर आते थे। ये बिल्कुल इसका पीक पॉइंट है। यहाँ पर जगह जगह लोगों ने मसल्ले रखे हुए हैं, लोग नमाज वगैरह पढ़ते हैं और यहाँ से इस तरह का व्यू नज़र आता है। लेकिन यहाँ पर भी जो पत्थर हैं वो लोगों ने अपने नामों से पतों से लिख के काले स्याह किए हुए हैं। ये हुकूमत बार बार मिटाती भी है लेकिन लोग बाज फिर भी नहीं आते। यहाँ पर चढ़ने के बाद आपको 20 से 30 मीटर दोबारा नीचे की तरफ जाना पड़ता है। गारे हिरा ये ऊपर टॉप पर आने के बाद आपको नीचे की तरफ जाना पड़ता है। हम भी नीचे आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं लेकिन जो थकन से हमारी जो है ना बस हुई पड़ी थी और हमें तकरीबन यहाँ तक पहुँचने में 1.5 घंटा लग चुका है। और ये सामने आपको गार नज़र आ रही है, ये देख लें कि इतने नीचे हमने फिर जाना है। नीचे काफ़ी ज़्यादा रश था तो इस जगह पे हमने पहुँचना। आपने ऊपर मसल्ला देखा हुआ है, वो भी वहाँ पर भी लोग बैठ के नमाज वगैरह पढ़ लेते हैं और बैठते हैं क्योंकि यहीं पर पहली वही नाजिल हुई थी। तो ये जगह बड़ी इंसान को अगर आपने समझना ना कि इस्लाम क्या है और कैसे इसकी इब्तदा हुई आपको गारे हिरा का ज़रूर सफ़र करना चाहिए और यहीं से आपको इस्लाम की अहमियत का पता चलेगा। हम पहुंच गए नीचे, आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ बनी हुई हैं तो नीचे काफ़ी रश है और नीचे अंदर जाने का जो रास्ता है ना वो बहुत छोटा सा है। तो मैंने भी कोशिश की कि मैं भी अंदर जा सकूं लेकिन मैं अंदर जब मैंने रश देखा तो फिर मैं ऊपर की तरफ आ गया और मैंने ऊपर बैठकर सूरत अलग की तलावत की क्योंकि जिब्रील अमीन यहीं इसी पहाड़ी पर आए थे, नाजिल हुए थे और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा इकरा पढ़। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फिर कहा इकरा पढ़। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। तीसरी मरतबा फिर इसी तरह कहा तो फिर उन्होंने कहा इकरा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक़, यानी कि अपने रब के नाम से पढ़ें जिसने हम सबको। ये रास्ता बहुत छोटा सा रास्ता है, आप देख लें बंदा घबरा जाता है उधर पहुंच के भी बंदा सोचता है कि मैं कैसे गुजरूँगा। लेकिन जब बंदा दूसरे बंदे को देखता है ना गुजरते हुए तो फिर पता चलता है कि हौसला होता है बंदे को कि मैं गुजर जाऊंगा। आप देख लें
पाँव गुजारना भी मुश्किल हो रहा होता है, नज़र आ रहा होता है कि नहीं ये कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्या है इधर कि खुद ब खुद ही बंदा गुजर ही जाता है। लेकिन इस जगह से मैं इतनी सी छोटी सी जगह से निकल के बाहर निकला हूँ। आगे देख लें रश है, क्योंकि आगे जो जहाँ पे गार है ना वहाँ पर हर बंदे की कोशिश होती है कि मैं भी इधर थोड़ा सा बैठ जाऊँ, नफल पढ़ लूँ। और मैंने कोशिश की कि मैं वीडियो बना सकूँ, क्योंकि मेरी कोशिश थी मैं देख सकूँ कि हरम कहाँ से नज़र आता है, क्योंकि मैं वो फील करना चाह रहा था कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यहाँ पर आकर इबादत करते थे तो उन्हें कैसे हरम नज़र आता था, वो इन चीज़ों को गौर करते थे। तो मैंने इधर से अपना कैमरे का फोकस करना शुरू किया तो मुझे फिर जो है मक्का टावर नज़र आया। ये इस जगह से बिल्कुल आगे मक्का टावर है जो है ना नज़र आ रहा है। तो आप इस जगह पे आप आके ना फीलिंग ही कुछ और हो जाती है। यहाँ पर रश होता है, लोग हर बंदे की कोशिश होती है मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजार सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा बैठ सकूँ। तो मैंने दो तीन वर्ड अरबियों से सीख लिए थे, हज्जी यल्ला हर्रक हर्रक। तो जब वो पढ़ रहे होते हैं ना तो सारे तो मैं कह रहा था कि हाजी हर्रक हर्रक यल्ला, तो जिसकी वजह से ना वो समझते हैं शायद कोई अरबी है। तो ये इधर आके हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह नवाफिल अदा किए और इधर बैठकर फील किया कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा वक्त गुजारते थे यहाँ पर। यहाँ बहुत ज़्यादा सुकून है, बहुत ज़्यादा मैं कहता हूँ रूहानियत है, बंदे को ज़रूर आना चाहिए। क्योंकि अगर आपको इस्लाम की इब्तदा का पता चल जाएगा ना तो फिर आपको बहुत ज़्यादा दीन को समझने में आसानी होगी। मैंने इधर कर लिया था ज़ियारत वगैरह, देख ली थी जगह बैठ उधर भी, ये बाजी को देखा, बाजी भी जो है ना उंगलियों से अपने नाम लिख रही थी। पता नहीं, मुझे नहीं पता कि इन लोगों का क्या अकीदा है, क्यों इस तरह लिखते हैं, ये क्या इनका सोच है। कई लोगों के बारे में सुना है कि वो पत्थर भी घर से चोरी करके ले जाते हैं। अल्लाह के बंदों के ये कोई आम जगह नहीं है, इसके मुकद्दस का एहतराम करें। बंदा समझ तक मैं इधर कैसे निकलूँगा, लेकिन पता नहीं ये क्या देखो, इतनी सी जगह भाई साहब, इधर से निकलता पाऊँ बंदा समझता पाऊँ कैसे निकल, लेकिन निकल जाता है भाई, अटकता कहीं नहीं है। अल्लाह अकबर कबीर, ये देख अल्लाह अकबर कबीर, जाएगा जाएगा, घबराना नहीं। ठीक है ठीक है, बैग ऊपर उठाओ, बैग ऊपर ऊपर बैग, हाँ अकबर कबीरा, अकबर कबीरा, ओह अल्लाह अकबर कबीरा, सुभान अल्लाह बकरत असीला, कम कम आज कम कम, बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चले चले, अभी रश कोई नहीं है, जल्दी पहुंचे, रश नहीं है। जो बोतलें लेकर आए थे ये देखे, खाली बोतलें हमने अपना बैग में रख, रैपर वगैरह भी रखे हैं, और जो चीज़ें भी लेके आए थे हम तो वापस लेके जा रहे हैं। लेकिन बड़ा दुख होता है कि लोग आते हैं और अपने साथ सामान जो है कचरा इधर ही फेंक कर चले जाते हैं। अल्लाह सबको समझ, टूटते होते हैं ना वो, हर रख यल्ला यल्ला रोग इस तरह करते हैं ना, बंदे को गुस्सा आ रहा था। लेकिन इधर आके मैंने महसूस किया कि शुरते ना होने की वजह से यहाँ पे इतनी गंदगी है। वापसी का सफ़र जारी है जी, बड़ी तेज़ी से, जितनी जाते हुए मुश्किल थी आते हुए उतनी ही आसानी है।
अल्हम्दुलिल्लाह पैसा वसूल हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह दिल की हसरत पूरी हो गई। और इस सफ़र से पता चला कि हम तक जो दीन पहुँचे हैं इतना आसानी से नहीं पहुँचा भाई, बड़ा मुश्किलों से पहुँचे हैं। ऊपर चढ़ते हुए हमें तकरीबन 1.25 घंटे लगे, लेकिन वापसी पर हमें सिर्फ 0.5 घंटा लगा। और हम इस गाड़ी में बैठकर वापस अपने होटल की तरफ जाने लगे। ये गाड़ी वाले से हमने तय कर लिया था, इसने हमसे 20 रियाल चार्ज किए, यानी फी सवारी 5-5 रियाल लिए। और शायद ये TX प्राडो टाइप गाड़ी थी। यहाँ से उतरते हुए ना बड़ा ख़तरा महसूस हो रहा था कि ये एकदम से गाड़ी की ब्रेक ना फेल हो जाए, गाड़ी ना टकरा जाए। लेकिन ये बड़े माहिर लोग होते हैं, हम वापस जा रहे थे तो कई लोग फिर और जो हुज्जाज कराम हैं वो ऊपर जाने के लिए ज़ायरीन आ रहे थे और कुछ वापस जाने के लिए भी खड़े थे। हमारा फिर वापसी का सफ़र बड़ी तेज़ी से जाने लगा। तो वापसी पे मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा है रास्ता। वापसी पे हमें टाइम भी कम लगा क्योंकि दिन के टाइम थोड़ा सा फिर रश कम हो जाता है। तो फिर वापसी पे हम फिर मीना से ही गुजरेंगे और मीना पे जो है ना आपको गुजर कर जाना पड़ता है। वहीं पर जमरात, वहीं पर ये अजीज़िया का जो के साथ जो इलाका है, पता नहीं इनका नाम क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर जो तुर्किश हैं वो और इंडोनेशियन वगैरह इन लोगों की रहायशें हैं। ये आ गया जी फिर से वो जमरात का एरिया आ गया। यहाँ पर हाजियों ने बकरियाँ मारने के लिए आना होता है। ये 3 स्टोरी बनाई गई हैं और मुख्तलिफ रोड से मुख्तलिफ कैटेगरी के जो लोग होते हैं जिस एरिया में होता है वो उस रास्ते से ही आकर कंकरियाँ मार सकता है। यहाँ पर भी अलबेक है और खेमे देख लें, आपको ये मीना के खेमे नज़र आ रहे हैं क्योंकि हम देख रहे थे कि हमने भी यहीं पर आना है और हम भी शैतान को कंकरियाँ मारने के लिए आएंगे। ये सारा साल वैसे तो एरिया जो है ना खाली रहता है, सिर्फ हज के दिनों में ओपन होता है। हाँ, मेंटेनेंस वगैरह के लिए जो है ना कुछ जगहों पे हमने देखा कि मेंटेनेंस के लिए जो शिरके होते हैं कंपनियां वगैरह वाले वो काम करते नज़र आते हैं, अदरवाइज़ ये बंद ही होता है। लेकिन ये मेन रोड है, यहीं से ये शॉर्टकट है, मीना से गुजर के जाते हैं। अगर आपकी रहाइश अजीज़िया में हो या जामिया के अंदर हो तो आपको इधर से ही गुजर कर जाना पड़ता है। यहाँ से इस रास्ते से तकरीबन हमारा 14 किलोमीटर का फासला था, अगर हम दूसरे रास्ते से जाते तो बहुत ज़्यादा फासला है। ये कूलर वगैरह लगे होते हैं, ये इनकी ना खेमे जो है ना टेंट की शक्ल में होते हैं क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी टेंट की शक्ल में ही उनका भी खेमा था, इसलिए ये इस चीज़ को फॉलो करते हैं कि हम कोई भी काम है ना वो सुन्नत के खिलाफ ना हो। तो इसलिए ये खेमों की जो है ना वाइट कलर की जो इनका कलर है इसको भी नहीं ये चेंज करते और ना कर सकते हैं। इनकी अगर आप ऊपर देखें जो स्टाइल बना हुआ है, यहाँ पर दूध ख़त्म होगी, अजीज़िया आ गया, अजीज़िया इधर से स्टार्ट होता है। अजीज़िया भी काफ़ी बड़ा है, यहाँ से भी 3-4 किलोमीटर का फासला है अजीज़िया के अंदर ही, क्योंकि ये इसके कुछ एरिया हैं। ये हमारा अजीज़िया की तरफ गाड़ी मुड़ गई, गाड़ी वाला रास्ता भूल गया था, इसको नहीं पता था। फिर हमने गूगल मैप के ज़रिए इसको समझाया कि हमारी रहाइश इस तरफ है, तो फिर इसको समझ आई। ये हमें गाड़ी वाला फिर छोड़ने के लिए हमारे होटल की तरफ आ गया। यहीं पर इंडियन होटल नज़र आते हैं, पाकिस्तानी होटल नज़र आते हैं जहाँ पर रहायशें होती हैं। आपको ये वीडियो दिखाने का मकसद है कि अगर आप भी हज पर आना चाहें तो आपको पता होना चाहिए। इस तरह से ये बसें खड़ी होती हैं पाकिस्तानी हजाज की, ये पाकिस्तानी जो है ना मेडिकल सेंटर है, इधर हॉस्पिटल वगैरह बना है। हमारी रहायश इसके साथ ही थी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक तो हमने हॉस्पिटल का नहीं विज़िट किया, तो ये हमारी रहायश आ गई और साथ ही हमारे इंडियन होटल।